सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि टेलीग्राम पर जो कॉल सेटिंग होता है, वो जो टेलीग्राम पर जो कॉल्स होते हैं उसका जो सेटिंग होता है वो कहां पर होता है दोस्तों, उसे कहां से देखा जा सकता है, उसे कहां से इनेबल किया जाता है दोस्तों, एवरीवन और जो जो प्राइवेट से कॉल्स रहते हैं उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राम कॉल्स को, उसके बारे में फुल प्रोसेस के साथ बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ऐप को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से मैं टेलीग्राम ऐप को ओपन कर चुका हूँ और आपको यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में थ्री लाइन देखने को मिलेंगी, उस पर एक बार क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे साइड से तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर एक बार क्लिक कर लेना है आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर। और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चैट सेटिंग्स के नीचे जो लिखा हुआ है दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉल्स जो लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मैसेज, इसके नीचे लिखा हुआ कॉल्स दोस्तों। इस पर आप एक बार अगर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन कॉल मी, तो दोस्तों मैंने एवरीबॉडी रखा हूँ। अगर आपको यहाँ पर नोबडी करना है तो आप नोबडी भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हो कि सिर्फ जो आपके कॉन्टेक्ट्स में वही आपको कॉल कर सके तो दोस्तों माई कॉन्टेक्ट कर दीजिए, या कोई भी कॉल कर सके दोस्तों तो उसके लिए एवरीबॉडी रखें। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ टेलीग्राम पर आपको कोई कॉल ना करे उसके लिए आप यहाँ पर नोबडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।